नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपकी गाड़ी के लिए, आपके व्हीकल के लिए, आपकी मशीनों के लिए एक ऐसी चीज़ बताने आया हूँ जिसे समझकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बेटा समझना, हमारे शरीर में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में जब भी कोई नकारात्मकता आती है, चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, चाहे वो गुस्से से, दुख से या बाहर से, अगर हम उसे ड्रेन ना कर पाएँ, उसे बाहर ना निकाल पाएँ अपने शरीर से, अपने ऑरा से, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर रह जाता है और किसी न किसी बीमारी के रूप में वो जन्म लेता है, अगर वो निकल ना पाए तो। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो दुख हो, तो वो इस तरीके से बीमारी के रूप में पनपता है और उसे फिर हमें बाहर निकालना पड़ता है, उसका इलाज, उसका समाधान करना होता है। वैसे ही हमारी मशीनों में, हमारे व्हीकल में ये चीज़ होती है। जो भी नकारात्मकता है, चाहे वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान के मानसिकता से हो, उनके गुस्से, नाराज़गी या उनके बिहेवियर की वजह से हो, उनके विचारों से हो, या बाहर से आने वाली कोई नकारात्मकता, अगर उसे ड्रेन ना किया जाए, उसे बाहर ना निकाला जाए, तो गाड़ी के मशीनों में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर वो प्रॉब्लम के रूप में दिखती है। चाहे गाड़ी का एवरेज माइलेज कम हो जाना, या फिर बार बार ख़राब होना या पंचर होना, ज़बरदस्ती ट्रैफिक में फंसना, ज़बरदस्ती के कलेश वाली जगह पे जाके गाड़ी का फंसना, सकरे जगहों पे जाके फंसना, ये सारी चीज़ें उस नकारात्मकता का प्रतीक है जो आपकी गाड़ी के अंदर आ गई है। तो गाड़ी हो या मशीन हो, इसके लिए हमें ब्लैक टर्मोलिन का ये पिरामिड इस्तेमाल करना चाहिए। पिरामिड ही क्यों, ब्लैक टर्मोलिन को ऐसे भी क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पिरामिड ये दिखने में अच्छा है और पिरामिड ऊर्जा को सही तरीके से एम्पलीफाई करने के लिए हमेशा से सर्वोत्तम माना गया है। हम ध्यान भी पिरामिड के अंदर बैठ के करने की सलाह देते हैं और पिरामिड हर महीने में ऊर्जा के लिए सबसे सर्वोत्तम है। तो इस ब्लैक टर्मोलिन को पिरामिड के भीतर ही रखा गया है और इसके ऊपर रखा गया है स्फितिक और इसके बाहर की तरफ एक सिंबल बनाया गया जिसे कहते हैं हम स्पायरल, शमनिज्म स्पायरल। ये शमनिज्म का ही सिंबल है, शमनिज्म स्पायरल, जो कि किसी भी नकारात्मकता को बाहर ही छोड़ देता है, आने ही नहीं देता, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। समझना, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इससे स्थापित कैसे करते हैं। तो गाड़ी साफ होने के बाद हम अपनी गाड़ी में और डबल साइडेड टेप लगा चुके हैं और ये जो प्रतीक चिन्ह है ये बाहर की तरफ होना चाहिए। बहुत लोगों को लगेगा ये अंदर की तरफ हो, मुझे दिखना चाहिए, नहीं, ये चिन्ह बाहर की तरफ होना चाहिए, मतलब कि आपके उस तरफ है ना, विंडशीट के उस तरफ, मतलब कि बाहर से आपको दिखे अगर आप देखना चाहेंगे तो बस इसको लगाते हैं प्रेम से, परमात्मा को याद करके। आपने पूरी आज का पूरा ये, आपने उपवास रखा हुआ है, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ है अभी, और अब आप खुद भी कर सकते हैं या अपने घर के किसी फीमेल से भी करवा सकते हैं। फीमेल के यहाँ से करना बहुत अच्छा होता है, मम्मी के यहाँ से, बहन के यहाँ से, आपकी वाइफ है उनके यहाँ से, ग्राहक की लक्ष्मी जो है उनके यहाँ से। तो बस ठीक है, बीचों बीच लगाना होता है इसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीचों बीच ही लगाएं। अगर कोई और चीज़ लगी हुई, जैसे ये मेरे घर के एक बच्चे ने मुझे गिफ्ट किया था ये इमोजी, तो ये स्माइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे लगा के रखा हुआ, तो उसके बगल में मैंने इस पिरामिड को स्थिर कर दिया और बस, और कुछ भी नहीं, सिंपल लगाया। अब इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके गाड़ी के आसपास फैलनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारे फायदे। सबसे पहले ध्यान ये रखें कि जिस गाड़ी में आप लगा रहे हैं उसको चलाने वाला ही इंसान इसे स्थापित करे, और जो स्थापित कर रहा है वो इसे वॉश करे, जो चला रहा है या तो वो कर ले, या तो फिर अपने घर की माताएं बहनें, जो भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, अपनी पत्नी, माता, बहनें, किसी से भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप, क्योंकि गाड़ी आपकी, आप इसके मालिक हैं, आप इसे चलाते हैं, तो इसे आप ही साफ करें, क्लीन आप करें। किसी की हेल्प ले सकते हैं या किसी से करवा भी सकते हैं, लेकिन आखिरी टच आप ही दें। जहाँ पर आप स्थापित करने वाले हैं उस जगह को क्लीन रखें, और उस जगह पे जब रख रहे हैं तो ये जहाँ ध्यान दें कि इसका जो स्पायरल है वो उस दिशा में हो, बाहर की दिशा में हो, और यही सबसे अच्छा तरीका होगा। देखा आपने, इतना ही आसान है। इससे किसी योग्य हीलर के हाथों से लें, किसी योग्य हीलर के हाथों से हील करा के लें। जितना पुराना वो हीलर होगा, जितने सारे
सिंबल्स का वो ज्ञाता होगा, उतने सारे सिंबल्स से वो उसे हील करेगा। मतलब कि जितने सिंबल्स हैं 40 45 42 जो भी सिंबल वो जानता है, सारे सिंबल को अपने हाथों में लेकर के उस पिरामिड में उसको चार्ज करेगा, ताकि ये कई सालों के लिए आपकी गाड़ी के अंदर शोभायमान बन के आपकी गाड़ी की सुरक्षा करे। और आप देखेंगे कि कैसे आपकी गाड़ी के महीने का खर्च कम हो गया। महीना छोड़ो, सालाना खर्च, पिछले साल का खर्च याद करना, इस साल के खर्च का याद करना, आपको एकदम से क्लियर समझ में आएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर गाड़ी बहुत चलाते हैं तो 3-3 महीने में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये ब्लैक टर्मोल इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ना केवल अपनी व्हीकल में, आपकी गाड़ी में, फोर व्हीलर में, अपितु अपने बड़ी बड़ी मशीनों के जो चैम्बर्स होते हैं, जहाँ से ऑपरेटिंग चैम्बर होता है, वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि महीने में एक बार उसे उस पर धूप ज़रूर पड़े, सनलाइट ज़रूर पड़े। सनलाइट के पड़ने से ये चार्ज हो जाता है और नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है, मतलब कि जो नेगेटिविटी उसने सोखा है उसे विलीन कर देता है नेचर में। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर स्फटिक लगा हुआ है, क्लियर क्वार्ट्ज लगा हुआ है, तो गाड़ी चलाने वाले जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं उनके, वो जो भजन कीर्तन करते हैं, कभी गाड़ी में भजन चलाते हैं, जो अच्छे थॉट्स लेके चलाते हैं, या प्रार्थना कर, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जो प्रार्थना करते हैं, तो स्फटिक उन प्रार्थनाओं को अपने अंदर धारण कर लेता है, उस प्रार्थना को, उस अच्छे सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेता है। और क्योंकि वो धारण करके रखा है तो वो उसे छोड़ता भी है, वो धीरे धीरे रिलीज भी कर रहा होता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके काम आ रही होती है, वो नीचे का जो टर्मोलिन है वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच के सोख लिया है, सोख करके रखा हुआ है, और जो स्फटिक है वो सकारात्मक ऊर्जा को कलेक्ट करके एम्पलीफाई करके छोड़ रहा है। क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में मैंने बताया था ना, घड़ियों में भी लगता है, सेल की एनर्जी को लेके जोर से वाइब्रेट होता है, घड़ी के कांटे को चलाता है, सब काम ही यही है। तो ये पूरा विज्ञान है जिसका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।